लास्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंट कंडीशन कर रहे थे, पहले 5 इक्विवेलेंट कंडीशन कर चुके थे, अब ये एफ जो हमारी 6th इक्विवेलेंट कंडीशन है हम इसकी बात कर रहे थे। हम कह रहे थे अगर आउटर मेजर ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी यानी फाइनाइट हो तो अबोव स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू 6th, ये सारी 6th के इक्वल हैं। ये सारी जब आपस में इक्वल हैं तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट को 6th के इक्विवेलेंट दिखा दूँ और 6th को 1 के इक्वल से इम्प्लाइज कर दूँ तो यानी हम रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। हम ई इज़ मेजरेबल लेकर चले थे और हम ये वाली कंडीशन प्रूव कर चुके थे। आज हम 6th इम्प्लाइज फर्स्ट करेंगे, यानी हम लेकर चलेंगे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर इज़ अ फाइनाइट यूनियन यू ऑफ अपर इंटरवल सच डैट आउटर मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस विद यू लेस देन एप्सिलॉन। तब हम प्रूव क्या करेंगे, ई मेजरेबल है। तो आज हम 6th इम्प्लाइज 1 कर रहे हैं, ठीक है। वी शैल एज्यूम डैट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ फाइनाइट यूनियन यू, ठीक है। यूनियन कैसी मिल रही है, फाइनाइट, ऑफ ओपन इंटरवल सच डैट आउटर मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस विद यू। ई सिमेट्रिक डिफरेंस का यू डिफरेंस विद यू का क्या मतलब है, ई माइनस यू जो सेट बनेगा उसकी यूनियन यू माइनस ई सेट के साथ, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, इज़ मेजरेबल, ठीक है। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने से पहले हम एक लेमा प्रूव करेंगे। पहले उस लेमा का रिज़ल्ट देखिए, इफ़ ए इज़ अ लीबेग मेजरेबल एंड इफ़ आउटर मेजर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू 0 देन बी इज़ आल्सो लीबेग मेजरेबल। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी ए अगर लीबेग मेजरेबल सेट है और उसकी किसी अनदर मेट्रिक स्पेस अनदर सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लिया जाए और उसकी आउटर मेजर 0 आ जाए तो जो अनदर सेट हमने लिया था ना वो भी कैसा होगा, लीबेग मेजरेबल। पहले इस लेमा को देखते हैं। वी हैव एम स्टार ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। आउटर मेजर दोनों पर यूनियन है अलग अलग हो जाएगी, आउटर मेजर ऑफ ए माइनस बी प्लस आउटर मेजर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ए माइनस बी भी 0 होगी और आउटर मेजर ऑफ बी माइनस ए भी 0 होगी। कैसे 0 होगी, हमने नीचे प्रूफ भी करके दिखा रखा है, आपको पता भी है ये चीज़ 0 होगी। अगर किसी सेट की आउटर मेजर 0 हो तो वो कैसा होता है, लीबेग मेजरेबल, यानी ए माइनस बी भी मेजरेबल और बी माइनस ए भी मेजरेबल, ठीक है। बी नाउ बी को हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ आपको ना लिखनी आए तो आप वेन डायग्राम से बनाकर देखेंगे इसे। एक यूनिवर्सल सेट एक्स लेंगे, उसके अंदर ए और बी सेट लेंगे और उसके बाद करके देखना क्या बी इनके इक्वल आ रहा है। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को तो बी माइनस से लिख सकते हैं, बहुत बार करवा चुके हैं ये चीज। बी इंटरसेक्शन ए को आगे लिखा यूनियन बी इंटरसेक्शन ए को लिखा ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए एज इट इज़ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। सिंस ये आप करके देखना, छोटे छोटे सेट थ्योरी के रिजल्ट हैं। सिंस ए भी हमारा लीबेग मेजरेबल है स्टेटमेंट में गिवन है, ए माइनस बी और बी माइनस को मेजरेबल हम प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों का दो अगर मेजरेबल सेट हों उनका सिमेट्रिक डिफरेंस यानी इवन माइनस ए माइनस दिस भी मेजरेबल होगा, ठीक है। अगर इवन और ई टू दो मेजरेबल सेट हैं तो इवन माइनस ई टू भी मेजरेबल होता है, उस रिजल्ट का यूज़ किया है। अगर बी माइनस ए भी मेजरेबल है तो इनकी यूनियन भी कैसी होगी, मेजरेबल, ठीक है। हैंस बी कैसा हो गया, इनकी यूनियन तो क्या है, बी, यानी बी भी कैसा हो गया, मेजरेबल। हमें यही प्रूव करना था, अगर इनका ए मेजरेबल सेट है और आउटर मेजर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 0 है, ये तो मेजरेबल दे रखा है, और इनके सिमेट्रिक डिफरेंस की आउटर मेजर 0 हो तो बी भी कैसा होगा, मेजरेबल, जो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम एक छोटा सा रिजल्ट और प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वी शैल प्रूव द फॉलोइंग टू रिजल्ट्स, आउटर मेजर ऑफ यू एप्सिलॉन, यू एप्सिलॉन सेट हम कुछ मान रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या मान रहे हैं, माइनस ई, इस सेट की आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन होगी, और आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यू एप्सिलॉन है बच्चे, ये ई नहीं है, ई माइनस यू एप्सिलॉन क्या होगी, 0 होगी, यू एप्सिलॉन माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन होगी और ई माइनस यू ई क्या यू एप्सिलॉन क्या होगी, 0। बहुत छोटा सा रिजल्ट है, चलिए पहले शुरू से शुरू करते हैं। हम क्या प्रूव कर चुके हैं, लेकर चले हैं,
ये रिजल्ट हम, ये स्टेटमेंट हम लेकर चले और हमें प्रूव करना है ई मेजरेबल है। देखिए कोई भी मैं एप्साइलम ले लूँ, उस एप्साइलम के लिए मुझे एक फाइनाइट यूनियन यू मिल रही है, वो फाइनाइट यूनियन है ओपन इंटरवल्स की, सच डैट सिमिट्रिक डिफरेंस ऑफ ई यूनियन यू की आउटर मेजर, ई सिमिट्रिक डिफरेंस यू की आउटर मेजर लेस देन एप्साइलम है। जैसे जैसे मैं एप्साइलम चेंज करूँगी मुझे यू अलग अलग मिलता रहेगा, लेकिन मिलेगा पक्का। और वो ये यू कैसा होगा, हर बार फाइनाइट यूनियन होगा ओपन इंटरवल्स की। नाउ बाय सिक्स, इस गिवन स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए फॉर अ गिवन एप्साइलम ग्रेटर देन जीरो हम एप्साइलम को चेंज कर रहे हैं। जब मैं एप्साइलम को एप्साइलम बाई टू रेज टू पावर वन ले रही हूँ तो मुझे वो फाइनाइट यूनियन यू वन मिल रही है। जब मैं एप्साइलम को एप्साइलम बाई टू रेज टू पावर टू ले रही हूँ तो मुझे यू टू मिल रही है। हर एप्साइलम के कोरोस्पोंडिंग एक फाइनाइट यूनियन मिलती जा रही है जिसको हमने यू एन नाम दिया है, यू वन यू टू यू थ्री, हर एप्साइलम के कोरोस्पोंडिंग। मान लीजिए आप क्लास में 30 बच्चे हैं, सबने एप्साइलम अलग अलग सिलेक्ट किया, हर एप्साइलम के कोरोस्पोंडिंग हर एप्साइलम के लिए हर बच्चे को यू फाइनाइट यूनियन जरूर मिलेगी, लेकिन वो फाइनाइट यूनियन अलग अलग हो सकती है और हर बच्चा उसके कोरोस्पोंडिंग से यू वन यू टू यू एन नाम दे रहा है। ठीक है, सच डेट जो गिवन कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, जो ये यूएंस मिले हैं मुझे, इन सब की यूनियन को यू एप्साइलम बोला है, यू एप्साइलम या कुछ और नाम भी दे सकते हो आप, इसे एस नाम दे दीजिए। हमने किसको नाम दिया है, जो इन एप्साइलम के कोरोस्पोंडिंग फाइनाइट यूनियन मिली है। ठीक है, क्लियर। तो यू एप्साइलम यू एन ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ये फाइनाइट है ओपन इंटरवल्स हैं, उनकी काउंटेबल कलेक्शन करेंगे, काउंटेबल फाइनाइट काउंटेबल कलेक्शन हो जाएगी ओपन इंटरवल्स की, हमें पता है वो मेजरेबल होती है। ठीक है, उसके बाद ये लेमा हम प्रूव कर चुके हैं। यू एप्साइलम अब क्या है, आपको पता लग गया, यू एप्साइलम है यूनियन ऑफ एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी यू एन, और यू एन क्या है, जो हमें फाइनाइट यूनियन स्टेटमेंट में दी हुई थी कि हर एप्साइलम के कॉरस्पॉन्डिंग यू मिल रहा है, यू आईज मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था, कंसिडर आउटर मेजर ऑफ यू एप्साइलम माइनस ई, आउटर यू एप्साइलम जो है वो रख दिया। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो मैं यूनियन बाहर लेके से यू एन माइनस ई लिख सकती हूँ, लेकिन हमें पता आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव होती है, लेस देन इक्वल टू समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है, ये सबसेट होता है इसका, क्योंकि यू एन सिमेट्रिक डिफरेंस विद ई क्या है, यू एन माइनस ई, इसकी यूनियन ई माइनस यू के साथ, तो ये ऑलवेज सबसेट होता है इसका। तो इनके बीच में समीशन लगाएंगे, रिलेशन ये ग्रेटर रहेगा, ये लेस देन रहेगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो हम प्राप्त बता चुके एप्साइलम बाय टू रेज टू पावर एन है। एप्साइलम को बाहर निकाल लो, ये जी पी सीरीज बन गई, इनफाइनाइट जी पी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए बाय वन माइनस आर, उसका यूज़ करेंगे, डैट इज़ एप्साइलम, ये लेस देन एप्साइलम आ गया जो हमें प्रूव करना था। रिवर्स पार्ट है, कंसिडर आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यू एप्साइलम, आउटर मेजर ई माइनस यू एप्साइलम, वही जो हमने अभी माना था, ई माइनस किसी भी सेट के ई माइनस ए का मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ई इंटरसेक्शन जो ये सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे कैसे, ये यूनियन इंटरसेक्शन में बन जाएगी और यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई माइनस यू एन, और ये इंटरसेक्शन है, ये लेस देन इक्वल टू होगी आउटर मेजर, इंटरसेक्शन हमेशा छोटी होती है बच्चे, मैं ई माइनस यू इंटरसेक्शन सबसेट होगी इसका, तो इनकी आउटर मेजर मोनोटोनिक होती है, उसके बीच में यही रिलेशन होगा और ये लेस देन एप्साइलम बाय टू एन है। जैसे जैसे मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूँगी ये जीरो को कन्वर्ज करेगा, तो हमने इसको जीरो ले लिया, एप्साइलम दिया आर्बिट्रेरी नंबर। अब हम मेन रिजल्ट को प्रूव करेंगे, हमारा एप्साइलम जैसे जैसे एप्साइलम वेरी कर रहा है, मेरा यू यू वन बाई एन वेरी कर रहा है, यू वन यू टू जिसे हम नाम दे रहे थे अब उसको यहाँ पर नाम यू वन बाई एन दे दिया। ठीक है, यू एप्साइलम क्या हो गया, वन बाई एन, एन इज़ रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, लेट यू क्या है, इन सब की इंटरसेक्शन, जो यू आईज मिले हैं मुझे, इंटरसेक्शन भी हमें पता है काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है मेजरेबल सेट्स की। लास्टली वी है आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई देख रहे हैं, यहाँ तो हमने क्या देखा था, यू एप्साइलम माइनस ई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यू माइनस ई, यू क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ यू वन बाई एन माइनस ई, दिस इज लेस देन इक्वल टू सेम रिजल्ट कि ये इंटरसेक्शन है, ये से कम होगी, लेस देन वन बाई एन आएगा और आउटर मेजर यू माइनस ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए। ठीक है, सिमिलरली मैं ई माइनस यू निकालूंगी, वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सेम इन दोनों का यूज़ करते हुए, जैसे हमने बाय ए और बाय बी ये किए हैं ना, ये इसीलिए प्रूव किए हैं कि मैं बाय ए यूज़ कर सकती हूँ इस वर्ड रिजल्ट को और इसको बाय बी लिख सकती हूँ। ठीक है,
जब एप्साइलम था तो लेस देन एप्साइलम आया था, एप्साइलम की जगह 1/n लिया तो ये 1/n आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने इसको इक्वल टू जीरो ही प्रूफ किया था। अब शुरू किया आउटर मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस यू, इसकी आउटर मेजर निकालनी है तो मैंने ई माइनस यू की भी निकाल ली, यू माइनस ई की भी निकाल ली, इन दोनों का सम ही तो इससे लेस देन होगी, इनकी आउटर मेजर लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई। लेकिन हमें पता है आउटर मेजर नॉन नेगेटिव होती है, तो आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यू क्या आ गया, जीरो, ठीक है। और हमने पीछे अब लेमा का यूज़ करेंगे, यू हमारा कैसा है, मेजरेबल सेट है, ठीक है। और आउटर मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस यू जीरो आ गया, तो दूसरा सेट भी कैसा होगा, मेजरेबल, यानी ई भी कैसा होगा, मेजरेबल। और हमें यही प्रूव करना था,